हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लिमिट स्विच के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिट स्विच क्या होता है? दोस्तों, लिमिट स्विच किसी भी वाल्व की ऑन ऑफ वाल्व की पोजीशन बताता है। ऑन और ऑफ यानी ओपन या क्लोज। कोई भी वाल्व हमारा ऑन ऑफ वाल्व ओपन या क्लोज ही होता है, तो लिमिट स्विच पोजीशन बताता है फील्ड से DCS पे। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है, चलिए उससे पहले मैं इसके पार्ट्स के बारे में सबके बारे में बता देता हूँ। ये हमारा जो दिख रहा है, ये लोकल इंडिकेटर है, क्योंकि फील्ड में इंडिकेशन मिल जाए हमें कि वाल ओपन है या क्लोज है। ये इसका कवर है और ये हमारा मेन लिमिट स्विच का हाउसिंग है। ये हमारा उसका बैक प्लेट है जिस पे माउंट करते हैं हम, और ये जो पॉइंट है ये हमारा वाल के ऊपर माउंट होता है और इस प्लेट के थ्रू इसको हम होल्ड करते हैं। तो चलिए मैं इसको खोल कर आपको दिखाता हूँ। मैं इसका कवर खोल रहा हूँ, ये बड़ी इजीली ही निकल जाता है। चलिए मैं इसका कवर खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका कवर खुल गया है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। चलिए हम इसके अंदर के पार्ट्स के देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मेन हाउसिंग है लिमिट स्विच का। ये दो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉक्सिमिटी वाली वीडियो में बताया था कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें वोल्टेज चेंज होती है। आप मेरी प्रॉक्सिमिटी वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। ये हमारा PCB बोर्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन है दोनों लिमिट स्विच के, ओपन और क्लोज ये दोनों का इंडिकेशन बताएगा। जब अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो है ये मूव करता है, तो इसके सामने ये जो मेटल का टारगेट है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी के सामने जाएगा, और दूसरा ये वाला है, ये नीचे वाला, ये हमारा प्रॉक्सिमिटी के सामने जाएगा तो ये उसका फीडबैक लेगा और DCS पे देगा। वैसे ही देखिए, इस कंडीशन में अभी इस वाले प्रॉक्सिमिटी का फीडबैक आएगा क्योंकि इसके सामने ये है। जैसे ही ये मूव करेगा, ये हट जाएगा उसके सामने से, और इस वाले प्रॉक्सिमिटी का फीडबैक DCS पे आएगा, तो हमको वाल की पोजिशन का पता लगता रहेगा कि वाल ओपन है या क्लोज है। चलिए मैं किसी एक प्रॉक्सिमिटी में इसको लगा के चेक कर लेता हूँ। मेरे पास वायर है, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और हम किसी एक प्रॉक्सिमिटी का चेक करेंगे। तो मैं नीचे वाली प्रॉक्सिमिटी का चेक करता हूँ, मैं इस वाले में वायर लगा रहा हूँ। रेड मेरी पॉजिटिव वायर है, तो मैं इसको पॉजिटिव में लगा रहा हूँ। और ब्लैक मेरी नेगेटिव है, तो मैं इसके नेगेटिव में लगा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें कनेक्शन में प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरचेंज कर दो कनेक्शन तो आपको फीडबैक सही नहीं मिलेगा, ना ही इसमें कोई वोल्टेज चेंज होगी। चलिए कनेक्शन हो गए मेरे। अभी एक काम करता हूँ, मैं किस हर एक प्रॉक्सिमिटी के सामने से इसको हटा देता हूँ। अभी किसी के सामने ये टारगेट नहीं है, तो आप चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर लगा कर। देखिए दोस्तों, जैसा कि प्रॉक्सिमिटी वाली वीडियो में देखा था, अगर किसी भी प्रॉक्सिमिटी के सामने वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। उसमें 3 वोल्टेज आ रहे थे, इसमें 3.5 वोल्ट आ रहा है। तो जैसे ही मैं नीचे वाली प्रॉक्सी के सामने टारगेट को लेकर आता हूँ, क्योंकि हम फिलहाल अभी नीचे वाली प्रॉक्सी चेक कर रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली प्रॉक्सी है। ओके, यस फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली प्रॉक्सी है, ये वाली वायर है, फर्स्ट वाली में लगाया मैंने। ओके, यहाँ पे ये कनेक्शन, तो ये ऊपर वाली प्रॉक्सी में लगाया है मैंने। तो ऊपर वाली के सामने आते ही इसमें वोल्टेज चेंज होगा, और ऊपर वाली से हटाते ही इसमें 3.5 वोल्ट आ गया, तो हमारा बैरियर पे सिग्नल स्विच होगा और हमारे DCS को पता लग जाएगा। तो मेनली ये प्रॉक्सिमिटी ऐसे ही काम करता है, जैसे ही वाल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अभी वाल का क्लोज का पोजीशन आ रहा है, ये क्लोज की प्रॉक्सिमिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें 8 वोल्ट रहेगा, हमारे बैरियर पर स्विचिंग नहीं की पता लगेगा। जैसे ही वाल ओपन होगा, इसकी स्विचिंग हट जाएगी और दूसरे वाले की स्विचिंग हो जाएगी, तो DCS को पता लगेगा कि अभी वाल ओपन या क्लोज हो गया। या फिर दोस्तों, कभी ये बीच में अटक जाता है, या तो मीन्स वाल्व अटक गया है, या फिर कभी क्या होता है कि
बीच में हमारा इंटरमीडिएट का फीडबैक आता है ना, हमारा ओपन का फीडबैक आता है ना क्लोज का फीडबैक आता है। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, या तो हमारा एक्चुअल में फील्ड में वाल पूरा नहीं घूमता है, या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा वाल उसके ऊपर बैठता है इसमें और उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से क्या वाल तो हमारा घूम जाता है बट प्रॉक्सिमिटी हमारा घूम नहीं पाता है। तो ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों मेनली मैंने प्रॉक्सिमिटी की स्टडी के बारे में बता दिया आपको। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंस्ट्रूमेंटेशन वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।